हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टैक ट्रैवलर बीस्ट। आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए कमाल धमाल और लाजवाब फ़ोन की अनबॉक्सिंग, जो कि रियलमी कंपनी का होने वाला है। बाकी इसके बारे में आपको और भी डिटेल दूंगा, बस आपको इतना हिंट दे देता हूँ कि ये मोबाइल इसी महीने लॉन्च हुआ है और ये अपने पास आ चुका है अनबॉक्सिंग के लिए। चलिए वीडियो ज़्यादा आगे ना बढ़ाते हुए चलिए मिलते हैं प्रोडक्ट के साथ इंट्रो के बाद। तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको इंट्रो से पहले बताया कि एक कमाल धमाल फ़ोन होने वाला है। अगर आपका बजट 25 से 30,000 रुपये और एक आप अच्छा फ़ोन ढूंढ रहे हैं जो क्लासिक और प्रीमियम दिखे, तो ये आपकी पूरी नीड फिल कर देगा। चलिए आपको मोबाइल दिखाता हूँ। ये है रियलमी की तरफ से आने वाला रियलमी 11 प्रो। इसके दो वेरियंट आए, 11 प्रो और प्रो प्लस, दो वेरियंट आ चुके हैं। अपने पास 11 प्रो एक 5G फ़ोन होने वाला है। कुछ इस तरह की रियलमी की जो पैकिंग आती है, येलो और ब्लैक का कॉम्बिनेशन, वही आपको देखने मिलता है। फ्रेंड में आपको इसके मॉडल का नाम और कंपनी की ब्रांडिंग मिल जाती है। बैक साइड से कुछ हाईलाइट फीचर है और टॉप पे आपको 5G देखने मिल जाता है। तो फ्रेंड, ज़्यादा देर ना करते हम इस बॉक्स को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं हमें साथ में क्या क्या देखने मिल जाता है। सिंपली बॉक्स को ओपन करती है, आपको येलो बॉक्स मिलता है जो हर बार आपको देखने मिलता है रियलमी साथ। इस बॉक्स के अंदर हमें साथ में इसका एक केस मिल जाता है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है और देख के लग रहा है कि अपना कैमरा मॉड्यूल काफ़ी बड़ा होने वाला है। इससे इजेक्टर टूल और ये वारंटी कार्ड और यूज़र मैनुअल, इनको साइड करते हैं। और फिर आपको मोबाइल देखने मिल जाता है, काफ़ी प्रीमियम फ़ोन लग रहा है हमारा। इसको साइड में रखते हैं अपन और देखते हैं। साथ ही आपको मिल जाता है 80 वॉट का चार्जर और USB A2 Type-C डाटा केबल आपको देखने मिल जाती है। तो इन सबको हम एक साइड करते हैं और डायरेक्ट फ़ोन की बात करते हैं। तो फ्रेंड, बात कर ले इस फ़ोन के वर्क अराउंड की, तो आपको राइट साइड मिल जाता है वॉल्यूम वोकर, पावर लॉक अनलॉक बटन और नीचे बात करें तो आपको स्पीकर, USB Type-C चार्जिंग पोर्ट, माइक्रोफोन और सिम ट्रे। और यहाँ आपको टॉप की बात करें तो यहाँ आपको सेकेंडरी स्पीकर, सेकेंडरी माइक्रोफोन और अपना लेफ्ट साइड पूरा क्लीन दिखता है और गोल्डन कलर काफ़ी ज़्यादा इसको लुक को एनहेंस कर रहा है। तो बात कर लेते हैं उसके हाईलाइट फीचर्स की। तो इस फ़ोन में आपको देखने मिल जाता है कर्व्ड स्क्रीन जो काफ़ी अच्छा लुक उसको दे रहा है और उसका बैक साइड में इसकी एक प्रीमियम डिज़ाइन आपको देखने मिलती है। और ये डिज़ाइन कोई नॉर्मल नहीं, ये एक लेदर है और नॉर्मल लेदर भी नहीं है, ये एक वेगन लेदर आता है जो प्रीमियम कार वगैरह में यूज़ किया जाता है, उस लेदर के साथ इसको बनाया गया है। तो काफ़ी अच्छी फिनिश आती है और आपको जिप डिज़ाइन में मिलता है, जो एक जिप आप गोल्डन कलर दिख रही है बीच में आपको सेंटर में, एक जिप डिज़ाइन है जिससे कि आपको काफ़ी अच्छा इसके लुक को और ज़्यादा मतलब क्लीन लुक देता है आपको। साथ में बात करें इस फ़ोन की, तो इसका लेदर प्रीमियम लेदर है जो कि आपने बताया मैंने वेगन लेदर का इसमें इस्तेमाल किया गया है। इसके साथ साथ इसको डिज़ाइन करने वाला कोई आम इंसान नहीं, जैसे कि आपने गुची का नाम सुना ही होगा, काफ़ी बड़ा ब्रांड है, तो उसके एक्स डिज़ाइनर ने इस फ़ोन को डिज़ाइन किया है रियलमी के साथ मिलकर। तो काफ़ी अच्छा सा लुक आपको मिल जाता है देखने के साथ में। और इसके पीछे साइड की बात करें तो आपको दिख रहा है ट्रिपल कैमरा सेटअप है, बट ये ट्रिपल कैमरा नहीं है, एक साइड वाला आप यहाँ पर देखेंगे तो ये कैमरा नहीं है, बस ये मॉड्यूल दिया गया है। उसका प्रो प्लस आता है उसमें आपको ट्रिपल कैमरा मिल जाएगा। इसका मेन कैमरा 100 मेगापिक्सल का है और सेकेंडरी कैमरा 2 मेगापिक्सल का है। बात कर लें इसके फ्रंट कैमरे की, तो फ्रंट में आपको मिल जाता है 16 मेगापिक्सल कैमरा जो काफ़ी क्लियर व्यू आपको देखने मिल जाता है। इसके साथ कुछ कैमरे की फ़ोटोज़ हैं, मैं आगे एड कर दूंगा, आप देख सकते हैं किस तरीके इस कैमरे का पिक्चर्स आती हैं। बात करें इसके बैक के मेन कैमरे की, जो आपका 100 मेगापिक्सल दिया गया है, ये नॉर्मल कैमरा नहीं है, ये 100 मेगापिक्सल का OIS कैमरा है जो काफ़ी ज़्यादा क्लियर फोटेज आपको देखने मिलती है साथ में। और बात करें इसके डिस्प्ले साइज़ की, तो छोटा डिस्प्ले नहीं, काफ़ी बड़ा साइज आपको देखने मिल जाता है। इसमें आपको मिलता है 6.7 इंच का लार्ज कर्व्ड डिस्प्ले जो फुल HD होने वाला है। तो अगर आप भी एक प्रीमियम फ़ोन देखना चाह रहे हैं 25 से 30 के रेंज में, जो इसका क्लियर प्राइस है मैं आपको आगे बता दूंगा वीडियो में, लेकिन एक प्रीमियम लुक के साथ ये देखने मिल जाता है आपको, तो काफ़ी अच्छा फ़ोन और चॉइस आपके लिए होने वाली है। अगर आप प्रो हैं तो आपके लिए प्रो काफ़ी अच्छा होने वाला है, और आप प्रो से भी ऊपर हैं तो प्रो प्लस देख सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा फ़ोन है। बात करें इसके कलर की, तो इसको रियलमी कहता है सनराइज बेज, मतलब उगता हुआ सूरज कहना है रियलमी का। तो काफ़ी अच्छा लुक और साथ में आपको देखने मिल जाता है प्रीमियम सा लुक। और बात करें इस फ़ोन में आपको देखने मिल जाता है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट, जिसका रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। सुपर फास्ट रिस्पॉन्स आपको देखने मिलता है, पर एक बार आपको सेकंड्स के लिए टच करना है, ये देखिए टच किया आपने तुरंत अनलॉक हो जाता है।
और मेन बात कर लें इसके डिस्प्ले की, तो इसमें आपको 6.7 इंच का फुल HD AMOLED डिस्प्ले देखने मिल जाता है, जो कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ देखने मिलता है। साथ ही साथ कवर्ड स्क्रीन मिलती है, तो आपको कॉर्नर्स में भी काफ़ी अच्छा देखने मिल जाता है और टच में काफ़ी अच्छा एक आपको प्रीमियम फील मिलता है टच के साथ साथ। तो ये फ़ोन बाहर से तो प्रीमियम दिखता ही है, लेकिन इसके अंदर की स्पेसिफिकेशन बात करें तो वो भी काफ़ी अच्छी देखने मिल जाती है आपको। चलिए बात करते हैं इसके अबाउट सेक्शन की। इसमें आपको देखने मिल जाता है MediaTek का Dimensity 7050 प्रोसेसर, जो एक 5G प्रोसेसर होने वाला है, और साथ ही साथ इसमें देखने मिल जाती है आपको 12GB रैम, और उसको 12GB आप और एक्सपेंड कर सकते हैं। 12GB रैम और 256GB वेरियंट है ये मोबाइल का। इसी एक से तीन वेरियंट आते हैं मोबाइल के, एक 8GB 128GB और एक 12GB 128GB, एक 12GB 256GB, तीन वेरियंट आते हैं इस मोबाइल के। और तीनों के प्राइस आपको सामने लिखे मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं जो आपको सूटेबल लगे आपके प्राइस के हिसाब से आप बाय कर सकते हैं। इसका प्रोसेसर तो काफ़ी अच्छा है, अगर इसमें आप बात करें तो रियलमी का UI 4.0 आपको देखने मिल जाता है, जो कि वर्क काफ़ी अच्छा करता है। और साथ ही साथ इसमें कुछ आपको इनबिल्ड इसके ऐप भी मिल जाते हैं, अगर आपको चाहिए तो आप यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप जैसे आपको मान लो मोज जोस ये सब ऐप मिलते हैं, आपको लाइफ में मोज लेना है तो मोज करें, नहीं तो इसको सिंपली होल्ड करके रिमूव कर सकते हैं, अनइंस्टॉल कर सकते हैं आप इसको। और फ्रेंड बात करें इस मोबाइल के एंड्रॉइड वर्जन की, तो इसमें आपको लेटेस्ट एंड्रॉइड 13 देखने मिल जाता है। तो इस मोबाइल के लिए काफ़ी अच्छा आपको लेटेस्ट एंड्रॉइड 13 देखने मिल जाता है, जो इस मोबाइल के प्रोसेस और साथ ही साथ देखे जाए तो इस मोबाइल में सब कुछ काफ़ी अच्छा है। देखा जाए तो इस मोबाइल के साथ आपको बैटरी भी काफ़ी अच्छी मिलती है, इसमें आपको 5000mAh की लिथियम बैटरी मिल जाती है, जो काफ़ी अच्छा आपको बैटरी बैकअप भी प्रोवाइड करेगी। तो ये मोबाइल आपके लिए काफ़ी अच्छा एक बैटरी के हिसाब से भी काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। साथ ही बात करें इसमें आपको 80W का फास्ट चार्जर मिलता है, लेकिन ये मोबाइल आपका 67W सपोर्ट करता है, तो आपके लिए तो अच्छा ही है फास्ट चार्जर आपके लिए, तो मुश्किल से आप 40-45 मिनट में फुल चार्ज कर सकते हैं। 40-45 मिनट में मोबाइल फुल चार्ज जाएगा 0-100। और फ्रेंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें आपका एक और वेरियंट आता है जो 11 प्रो प्लस है, तो उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जो आपका कैमरा 100 MP का है वो आपको सेम टू सेम डबल हो जाएगा, 200 MP कैमरा मिल जाएगा आपको। साथ ही आपको देखने मिलेगा उसके साथ 100W का फास्ट चार्जर, और आपको फ्रंट कैमरा 32GB का देखने मिलेगा, तो थोड़ा इम्प्रूव है, बट हाँ प्राइस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये आपको 12/256GB में है, 12/256GB में आपको ये वाला सेट मिलता है, तो इसका प्राइस आपको पड़ेगा 28,000, और जो इसका प्रो प्लस आता है वो आपको 2000 प्लस होके आपको 30,000 तक में पड़ जाएगा। तो काफ़ी अच्छा डिस्काउंट ऑफर भी चल रहा है, और अगर आप इस मोबाइल को बाय करना चाहते हैं तो अभी इसके काफ़ी ज़्यादा स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है, तो आप जाके मोबाइल हेडक्वार्टर में संपर्क कर सकते हैं, वहाँ आपके लिए काफ़ी अच्छा डिस्काउंट ऑफर भी चलते रहते हैं। साथ ही साथ आप एक अच्छा कस्टमर सपोर्ट भी आपको वहाँ देखने मिल जाएगा, तो आप वहाँ जाके इस मोबाइल को बाय कर सकते हैं। आपकी पहली चॉइस अगर भोपाल से है तो आप मोबाइल हेडक्वार्टर मोबाइल को बाय कर सकते हैं, और जो भी कोई प्रॉब्लम हो आपको तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपको क्या दिक्कत हो रही है। बाकी इसको आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, काफ़ी जगह इसका प्राइस बढ़ा के भी दिया जा रहा है, मगर आपको यहाँ पे सेम प्राइस में मिल जाएगा जो मैंने आपको बताया है। बाकी उसमें हो सकता है तो कुछ आपको डिस्काउंट भी मिल जाए, क्योंकि आप मेरे सब्सक्राइबर हो, तो आप जाएँ और जाकर विजिट करें मोबाइल हेडक्वार्टर में। बाकी उसका एड्रेस आपके सामने आ रहा होगा, आप जाके विजिट कर सकते। तो फ्रेंड उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर भी कर सकते हैं, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट अपडेट मोबाइल और वीडियो में आपके लाता रहूँगा, उसके साथ आपको जो भी और टेक्नोलॉजी रिलेटेड और भी अपडेट वीडियो में लाता रहता हूँ चैनल में, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं जहाँ भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इंस्टाग्राम या फेसबुक पे या फिर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो मेरे पेज को फॉलो करें और यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें। और मोबाइल हेडक्वार्टर में जाना ना भूलें, आप वहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप और ये नहीं है वहाँ पर रियलमी, आपको हर ब्रांड के मोबाइल वहाँ आपको देखने मिल जाएंगे, वह फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड सब एक्सेप्ट होता है, तो आप वहाँ जाके बाय कर सकते हैं। मेरे सब्सक्राइबर के लिए कुछ स्पेशल ऑफर्स हैं, उसका आप लाभ उठा सकते हैं। तो फ्रेंड चलिए मिलते हैं बहुत जल्द ऐसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।